सब सेकंड हैंड। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। कैमरा वैमरा नहीं रखते हो? कैमरा आगे मिलेगा। चलिए देखते हैं, अब दिखाते हैं आपको। ये है फ्रिज रेफ्रिजरेटर, ये सारे के सारे भाई आपका सेकंड हैंड। आपका है भाई? कितने का है? 4,500 का है, 5,500 का है, 7,500 का है। मार्केट तो बहुत लंबी है, अगर दिखाने जाएंगे तो एक घंटा तक हम आपको चलते रहेंगे और ख़त्म ही नहीं होगी मार्केट। दिन निकल जाएगा फिर भी ख़त्म नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं चोर बाजार, जो कि बहुत ही फेमस है बैंगलोर का चोर बाजार, जिसे संडे बाजार भी कहा जाता है। तो आज चलते हैं और बैंगलोर के चोर बाजार को यानी के संडे बाजार को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही डिमांड है इस वीडियो का और ये बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही फेमस मार्केट है। चोर बाजार है तो सामान भी सस्ता सस्ता मिल जाता है, मोबाइल हो, कैमरा हो और घर से रिलेटेड कोई भी सामान हो, कपड़ा तक आपको मतलब सेकेंड हैंड पता नहीं मंदिर से उठाते हैं या मस्जिद से उठाते हैं। सामान भी सस्ता मिल जाता है, 4,000 का सामान है तो आपको या जितना भी आप बार्गेन करा सको उतना हो जाता है। तो अभी चलते हैं चोर बाजार, एक्सप्लोर करते हैं बैंगलोर के चोर बाजार को यानी के संडे बाजार को। बहुत मजा आएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और गाइज, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो इस वीडियो से रिलेटेड या बाकी के किसी भी वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि हम बहुत ही क्विक रिप्लाई करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो गाइज, अभी हम निकल रहे हैं व्लॉग बनाने के लिए और यहाँ पे देखो हमारे पीजी के सामने एक ऐसे पोस्टर लगा हुआ है, वी आर हायरिंग। तो ऐसे भी जॉब मिल जाता है, वॉक इन फॉर एन इंटरव्यू। तो हमने बाइक अपनी पार्क कर दी है स्टैंड में। यहाँ पे जब आप केआर मार्केट आओगे तो ये देखो सामने एक दरगाह है, उसी के सामने ये पार्किंग है जस्ट फ्लाई ओवर के नीचे। और अपना हेलमेट हमने ये देखो कैसे लगाया है, सीट में दबा के, ये यहाँ पे दबा हुआ है और एक हेलमेट यहाँ पे दबा हुआ है। तो गाइस, ये देखो सामने ये केआर मार्केट का बस स्टेशन है और इस साइड आपका मार्केट है। तो अभी चलते हैं आपको मार्केट में ले करके, यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। और सब्जी मार्केट जो है, फ्रूट मार्केट, वो इस साइड है। एक बार हम लोग दिखा चुके हैं फ्रूट मार्केट, बहुत पहले बनाए थे स्टार्टिंग में, तो वो आप देख लेना। व्लॉग देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हो। ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ, ये है यहाँ का चोर बाजार संडे मार्केट। तो भाई देखो, संडे बाजार यानी चोर बाजार में आप जाओ कहीं भी किसी के भी, तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है आपको अपने पॉकेट वगैरह का ध्यान रखना है। और चोर बाजार जा रहे हो, वहाँ चोर ही मिलेंगे ज़्यादा। हाँ, आप मेन उसी मार्केट में जा रहे हो तो अपना आप पॉकेट वगैरह का ध्यान रखना, फ़ोन वोन का, नहीं तो तुरंत गायब हो जाएगा बॉस। तो अभी हम लोग जस्ट पहुँचने ही वाले हैं मेन मार्केट में, उसके बाद फिर वहाँ का हम आपको टूर देते हैं, दिखाते हैं, मज़ा आएगा। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं संडे बाजार मार्केट में। ये देखो, ये है इनका बोर्ड, ये वाली ब्रिज है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ का जो मेन जिस लिए फेमस है, ये देखो ये सारा सेकंड हैंड आपको माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी है, मिक्सर वगैरह तो सब कुछ सेकंड हैंड, चूल्हा वगैरह सब सेकंड हैंड मिल रहा है यहाँ पे। अंकल वो माइक्रोवेव कितने का है? 4,500 का। इतना ही सामान है कि और भी कुछ है? ये नया है कि सेकंड हैंड है? ये देखिए ये लगाए हुए हैं। एक बात हाय बोल दीजिए। हाय। इसका रियल प्राइस कितना, मतलब कम से कम कितने में देंगे? ये देखो यहाँ पे इंडक्शन वगैरह भी है, मोटर है, इंडक्शन है। अभी आपको और लेकर के चलते, बहुत लंबी मार्केट है, बहुत दूर तक है। कैमरा मोबाइल उस साइड मिलेगा सेकेंड हैंड? अच्छा चलिए उस वाले मार्केट में भी लेकर के चलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे गीजर वगैरह सब कुछ मिल रहा है। दूसरी साइड देखो, इस साइड भी है, इस साइड देखो आपको साइकिल वाइकल साइकिल तक सेकंड हैंड मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। देखो इस साइड भी सब कुछ मिल जाएगा, क्या क्या मिलता है हम आपको दिखा देते हैं खाली, बिकॉज इधर उधर होने में फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सोलर पैनल सब सेकेंड हैंड है।
अब आपको चूज़ करना है कौन सही है कौन नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो टीवी वगैरह है, ये टीवी कितने का है? 8,000। सेकेंड हैंड है? सब सेकेंड हैंड। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। कैमरा वैमरा नहीं रखते हो? कैमरा आगे मिलेगा। चलिए देखते हैं, अब दिखाते हैं आपको। ये है फ्रिज रेफ्रिजरेटर, ये सारे के सारे भाई आपका सेकंड हैंड। आपका है भाई? कितने का है? 4,500 का है, 5,500 का है, 7,500 का है। अच्छा, सबसे बड़ी वाली कितने? 7,500 का। ये 6,500 पड़ता है। ये बिक गया? कितने का बेचा? 6,500। कम से कम कितने का देते हो? 6,000 का। ये कितना बताया इसका? 6,500। ये देखो अंदर का कंडीशन, नीचे वाला खोल तो। ये सब सेकंड हैंड है भाई। और ये चालू भी है? हाँ ऑन है, फुल्ली वर्किंग में है। वर्किंग है ना भाई? इसका रेट बता रहा 6,500 रुपये, लेकिन बार्गेनिंग करके आप कितना तक आ जाएगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कितना बार्गेनिंग करा सकते हो। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये देखो ये इसके ऊपर रैप लगाया हो ताकि स्क्रैच वगैरह ना आए, लेकिन ये सेकेंड हैंड है। वॉशिंग मशीन थोड़ा खोल के दिखाओ। काफ़ी अच्छे कंडीशन में देख रहे हो? बिल्कुल न्यू कंडीशन है भाई। देखो ये है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अभी और आगे चलते हैं, देखो ना अभी। अरे बहुत मस्त मार्केट है भाई, मज़ा आ जाएगा, तुम देखते रहो। ये मिक्सर सब है, मिक्सर है, स्टोव है। साइड देखो, स्टोव सब सेकंड हैंड। जूता वगैरह भी दिख रहा है, बॉडी बिल्डिंग का सामान भी दिख रहा है। हाँ, इस साइड भी मिल जाएगा। अभी चलो आगे देखते हैं। देखो हम रेट हम ज़्यादा नहीं पूछ रहे, बिकॉज इन लोग से ज़्यादा पूछेंगे तो फिर ये लोग बोलेगा लो लो लो, इसलिए पूछ नहीं रहे। इधर भी देखो आपको लैपटॉप वगैरह। लैपटॉप कहाँ है? सिस्टम है, कंप्यूटर है ना, मॉनिटर है, मॉनिटर वगैरह है। और आगे चलते हैं, बहुत दूर तक है दोस्त, उस साइड चलते हैं थोड़ा। आपको ये दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे कुछ जो है ना वर्किंग टूल्स वगैरह भी इस टाइप का, ये भी अवेलेबल होता है। ड्रिलिंग मशीन भैया, ये सेकेंड हैंड है ना? हाँ सेकेंड हैंड है, सब कुछ है। सेकेंड हैंड है, 600, 700, 800, 1,000, 1,200। अच्छा, ये वाला न्यू है क्या? न्यू है। और ये सब सेकंड हैंड है? कम से कम तुम्हारे को छोटा वाला मिलेगा सर 700 रुपीज़ का, सबसे छोटा वाला। वो अब आपके बार्गेनिंग स्किल पे डिपेंड करता है, आप कितना कम करा सकते। टोटल अपना आप लगा लो। ये जूता है, ये देखो यहाँ भी है आपका, ये डंबल वगैरह। ये आपका है? 2 रुपये देना आपको, जिम वाले बंदों के लिए। कितना? 650 था। अरे इतना तो फ्लिपकार्ट पे इससे सस्ता मिल जाता है। मिलेगा तुमको लबर वाला। चलो चलो चलो, वो महंगा बताता ही है। ये देखो देखो, हमें लेना नहीं है, नहीं तो हम बार्गेनिंग जरूर करते। अब पता चला बार्गेनिंग करा दिया बहुत ज्यादा और लेंगे नहीं, जाने लगेंगे तो लड़ाई कर लेगा हमसे। हाँ, साले इतना बार्गेनिंग क्यों कराया जब लेना ही नहीं था तो। ये देखो, लेकिन ये सेकंड हैंड मार्केट है। एक फोटो लेना वहाँ से थंबनेल के लिए, ले लेंगे। चल फ्रिज के साथ, ये देखो कितना सारा फ्रिज है, ओवन है, इसके बाद आपका क्या आता है भाई, गीजर। चक्कर के लेके जो आईटी चला के देखो, आपको पसंद नहीं आता बदला के देता हूँ। इससे हमारे पास मिलोगे आप दूसरी टाइम? हाँ मिलोगे। ओ मिलोगे, नहीं तो क्या एक मिक्सी सेल करके भाग जाते क्या? जय जय देखो ये बंदा है, ये बोल रहा है कि ले करके जाओ खरीद के यहाँ से, कोई भी सामान एक वीक यूज करो, अगर खराब हो गया फिर से लाके वापस कर दो, है ना? एक मिक्सी पिकाल वो क्या ये बल्ले थी क्या? ये कितने का होगा भाई? 6 साल का बच्चा, जब से आ रहा हूँ संडे बाजार को पता वो आ गया तुम्हारे को 3,200 का बिल को, 7,000 चिल्लर भेजेगा वो सारा यूज के लिए हमें रेडी करके लगातार। कितना यूज हुआ होगा ये? महीना 2 महीना लगभग हो गया था। 3,200 इसका बता रहे हैं ये। अब यहाँ देखो ये भी टूल्स है, मशीन, ये सब नई नई मशीन है, लेकिन ये कपड़े भी यूज्ड कपड़े हैं, ठीक है, सेकंड हैंड, सब सेकंड हैंड यूज्ड है। ये देखो पूरे टूल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इधर देखो सब यहाँ, अब यहाँ देखो
जूते चप्पल जो होते सब सेकंड हैंड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है जो बहुत अच्छा होता है, ब्रांडेड होता है, ब्रांडेड जो होता है उसको छिपा के रखते हैं ये, वो आपको निकलवाना पड़ेगा बात करके, फिर वो निकालेंगे उस पर, फिर आप बार्गेनिंग करो तो वो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे मार्केट तो बहुत लंबी है, अगर दिखाने जाएंगे तो एक घंटा तक हम आपको चलते रहेंगे और ख़त्म ही नहीं होगी मार्केट, दिन निकल जाएगा फिर भी ख़त्म नहीं होगा। हाँ तो अभी जितना दिखाया है समझो वैसे ही मार्केट पूरी है यहाँ से लेकर के बहुत दूर तक, ठीक है कम से कम हमको लगता है 1 किलोमीटर तक होगी लंबी मार्केट। अब हम जा रहे हैं यहाँ जो गैजेट्स का जो मार्केट है ना, सेकेंड हैंड गैजेट्स का, लाइक मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, उस साइड जा रहे हैं। हमने पता किया यहाँ पे तो वो बोला कि थोड़ा सा यहाँ पे साइड में है सेकेंड हैंड गैजेट्स का मार्केट, तो उधर चलते हैं और उधर देखते हैं कि कैसा है वहाँ का माहौल, क्या क्या चीज़ें मिल रही है क्या नहीं मिल रही है, ये सब देखो एक लाइन से लगा हुआ है। तो अब हम पहुँच गए हैं दूसरे संडे मार्केट में और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फ़ोन वगैरह, घड़ी, इधर भी है कुछ कुछ पूछना है अंकल, ये सेकंड हैंड है सर? हाँ सब सेकंड हैंड। अभी हम लोग जो मार्केट में घुसे थे, अभी छोटा सा क्लिप आपने देखा होगा, वहाँ पे कुछ गैजेट्स वगैरह मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने वीडियो स्टार्ट किया ना भाई, स्ट्रिक्टली उन्होंने आकर के मना कर दिया कि वीडियो मत निकालो, ना मोबाइल का निकाल सकते हो ना बेचने वाले का निकाल सकते हो। हाँ तो थोड़ा दिक्कत है भाई, लेकिन तो फिर उसके बाद हमने वीडियो नहीं निकाला भाई, क्यों फालतू का टेंशन लेना, अब लड़ाई वड़ाई कर लेता भाई, वैसे भी फुटपाथ वाले से लड़ाई करना थोड़ा महंगा पड़ जाता है, एक बार हम लोग को पड़ चुका है महंगा। आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और भाई बहुत ही मेहनत से हम लोग ब्लॉग बनाए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, कोई भी क्वेश्चन होगा क्वेरी होगा तो इंस्टाग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पूछो, हम सब डिटेल दे देंगे आपको। हाँ। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।